और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर 25 दिसंबर को कांग्रेस का प्रोटेस्ट होगा और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस प्रोटेस्ट करने जा रही है। सीएम कमलनाथ समेत पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे इस प्रोटेस्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर 25 दिसंबर को कांग्रेस का प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस मार्च निकालने जा रही है। सीएम कमलनाथ समेत पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ मनोज सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 25 दिसंबर को कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में प्रोटेस्ट मार्च निकालने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए संजीता, पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है अपने अपने तरीके से। तमाम सारे पार्टी के लोग हो या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो उसका विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कांग्रेस जैसा कहेगी मैं कांग्रेस के साथ। तो अब हमें लगता है कि AICC का यह निर्णय होगा कि वो भी मध्य प्रदेश में इसका विरोध जताए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो अब ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध करने जा रही है। लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसमें मार्च पास्ट निकाला जाएगा और प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा और इसमें खुद मुख्यमंत्री इसकी अगुवाई करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्हीं के नेतृत्व में तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया 25 तारीख को। और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन वो पूर्ण से शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम किया जाएगा जैसा जानकारी मिल रही है। पर यह समझा जा सकता है कि अब कांग्रेस भी सीधे तौर पर जहां भी उनकी सरकारें हैं वो विरोध जताएंगी। मनोज जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं हम लगातार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे हैं, इतनी हिंसा फैल रही है और कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अभी इस कानून को सभी को शांतिपूर्वक पहले समझ लेने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल कानून को समझना पड़ेगा कि क्या है नागरिक संशोधन को लेकर या फिर ये क्या है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन ठीक है, अब विरोध कहीं लोग उसको समझ रहे हैं तो विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं और सरकार की भी गलती है। हमें लग रहा है केंद्र सरकार को भी खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि खुद अमित शाह ने ये कहा है, एक दिन पहले मैं देख रहा था एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने आगाह किया और बल्कि सबको बताया भी, विश्वास भी दिलाया। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा, कहाँ से वो दस्तावेज लाएंगे और अपने दस्तावेज दिखाएंगे कि वो यहाँ के नागरिक है। तो ऐसी तमाम तरह की भ्रांतियां भी लोगों के मन में काम कर रही है, पर इसका जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को ही निभाना पड़ेगा। सरकार को ये तमाम सारे जो लोगों के मन में वहम चल रहा है इसको दूर करना होगा और ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। पर अभी तो विरोध के स्वर हर जगह देखने को मिल रहा है। आपने देखा कई जगह हिंसा बढ़ गई है, लखनऊ हम कल देख रहे थे, गुजरात में हमने देखा, अब उसके बाद मध्य प्रदेश में। लेकिन अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः शांति है। अभी तक 144 सभी जगह लगाई गई है, अलर्ट पर रखा गया है, करीब 6 जिले ऐसे हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया। पर अब यहाँ कांग्रेस भी अपना ये कहा जाए प्रोटेस्ट मार्च निकालने जा रही है और वो सीधे तौर पर मैसेज होगा कि हम भी इस बिल के विरोध में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो 25 दिसंबर को कांग्रेस का प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। कांग्रेस मार्च निकालेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट मार्च में निकलेंगे।